मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए बेमेतरा विधानसभा के विकास खंड बेरला के अंतर्गत ग्राम कठिया रांका पहुंचे। इस दौरान हेलीपैड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों एवं अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम कठिया रांका में छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित कर एवं राजगीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा आम जनता के लिए, हर वर्गों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य आम आदमी के आय में वृद्धि करना है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों को भरपेट भोजन का अधिकार मिल सके, इसलिए सर्वभौम पीडीएस योजना बनाई गई है। हमारे शासकीय जतका योजना है तेकर बारे में जानकारी सीधा आम जनता से जेकर जेकर पर योजना बनाए है। सरकार बहुत अकन योजना बनाए है, किसान बर, मजदूर बर, महिला मन बर, लड़का मन बर, सियान मन बर और गाय गरुवा तक योजना बनाए है ना। तो सब पर योजना बनाया है, हमारे आजीविका पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, संस्कृति पर सब योजना हमने बनाया है। तो योजना है सही मायने में जिन जेकर पर योजना बनाए वहां तक पहुंचा थे कि नहीं पहुंचा, और पहुंचा थे तो अगर लाभ कैसे हो, ऐसे नहीं मिल गए तो अगर लाभ कहा होते, परिवर्तन का आए हमारे कार्यक्रम से योजना बनाए। बोले याद आते स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी जब अध्यक्ष रही थे तो परिवर्तन यात्रा निकाले थे, क्योंकि तो परिवर्तन होना चाहिए तो लोगों ने समझा सत्तक परिवर्तन, क्योंकि तो सत्तक परिवर्तन तो जरूरी कावर कि परिवर्तन जेकर पर लाना चाहता हूं तो बिना परिवर्तन हो नहीं हो, परिवर्तन का आकर भी हमें आना चाहिए किसान के, आदिवासी के, अनुसूचित जाति के, महिला के, नौजवान के, लड़का के, गांव के, ये में परिवर्तन आना चाहिए। एक घटना मुझे याद आ रहा थे जब मुख्यमंत्री बने में तो अधिकारी मन के बैठक करते हैं, बैठक करें तो डीएमएफ वगैरह खूब चलत है, तो अब हम विपक्ष में रहे तो देखें तो वो कलेक्ट्रेट में लिफ्ट लगा थे, कोनो अधिकारी अगर स्विमिंग पूल बना थे, बड़े बड़े बिल्डिंग बना थे, तो मैं कहें ये जितना खदान वाला एरिया है और खासकर हमारे अनुसूचित जनजाति भाई मर रहे थे तो ओकर जीवन में का परिवर्तन आए, उसे कोई परिवर्तन नहीं आया, तो मैं ऐसा कार्यक्रम बंद करना चाहिए, वो कार्यक्रम लागू करना चाहिए जे करते लाभ हो और छत्तीसगढ़ के लोगों मन के जीवन में परिवर्तन आए। तो आज से 4 साल पहले हमें खूब आशीर्वाद दे और 90 में 68 सीट हमें जीते रहे, अब तो उपचुनाव जीता जीता अभी 71 हो गए है ना। तो वो समय जब आप मन के बीच में आ रहे हैं और तब कह रहे हैं कि किसान मन के कर अभी आए और आगे कटिया तो संघ छोड़ो नहीं कुछ न कुछ देने लगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आगा कटिया में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाए और यहां से हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन निर्माण और घेघरी घाट के प्रशासनिक स्वीकृति, ठीक है ना, ग्राम पंचायत कुसमी को नगर पंचायत बनाया जाएगा और कुसमी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किए जाए, जेवरा अर्जुनी बोरिया मार्ग उन्नयन और नवीनीकरण किया जाएगा तथा चौड़ीकरण का स्वीकृति प्रदान किया जाए। अब तक घोषणा मैं आपके बीच में करते जा रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी निर्माण अच्छा लाका कठियम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल तो कौन क्या हाथ उठाए बोला सर क्या हाथ भाई लाका कठियम भी स्वामी आत्मानंद स्कूल खुली धन्यवाद जय हिंद जय छत्तीसगढ़। नाम सिया दीन दयाल भैया कौन गा इधर दिल्ली रही था सर जोर काम बाजार लगते हैं हमारे काम बाजार लगते हैं। गाड़ी कब तक बजाते गाड़ी यहाँ करीब वही 4 बजे के आसपास आते हैं। कौन दिन लगते बाजार
ये है करीब दो चार महीना हो गए। नहीं क्या बाजार कौन दिन लगता? बाजार रबेली मतलब गुरुवार के पड़ते है। गुरुवार के तो गुरुवार के गाड़ी आते है? गुरुवार के गाड़ी आते है। तो जांच कराए थे? हाँ सर जांच करा था ना, और हमारे गांव में सुविधा है होकर। हाँ। और बहुत सारे ऐसे जन है जो मन बीमार अवस्था में है और वहाँ चेक करवाते हैं। और अभी अभी मेरे पास कम बॉर्डर साहब गए वहाँ गाँव में रबेली में घर में। हाँ। तो सर कहना जैसे कि आपके यहाँ जो गाड़ी आवा थे वो बंद हो गई है। अरे हाँ ओकर मांग दूसर जगह हवा। हाँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ सर। हाँ। कि वो गाड़ी हमारे गांव में आते रहा है। हाँ। और जो बुजुर्ग लोग है जो एधार ओढ़ जाए आए के ऊपर उम्र है नहीं है। हाँ। ते मन इलाज हमेशा करावा है वहाँ। अच्छा ये बताओ ठीक है। हाँ जी रवेली में गाड़ी बंद नहीं हुआ मैं बोल रहा हूँ कलेक्टर ने बोला ठीक है जी सर तो गाड़ी बंद नहीं हुआ अरे छत्तीसगढ़ माता रानी की। अच्छा ये बताते हैं डॉक्टर कर गए थे हैं? हाँ जी जांच कराए खुद? जांच करा था सर। तो डॉक्टर पैसा ली? हाँ जी बढ़िया। नहीं सर पैसा वैसा नहीं है फ्री है। अच्छा जाँच कराते कर पैसा नहीं ली तो कम दवाई दवाई दी से? दवाई दी सर। तो पैसा दे दो कुछ नहीं दे सर ओकर पैसे नहीं दे? नहीं सर आप मुफ्त में ले आए हो। तो ये हर बाजार क्लिनिक योजना फायदा ये है कि जांच भी फ्री में होते और दवाई भी फ्री में ठीक है ना? हाँ जी। तो ये योजना है का लाभ ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए काबर की आजकल देखा था तुम्हारा यहाँ ये कोरोना के बाद से नौजवान लड़का लड़की मना कब डांस करत करत मर गए थे कोनो जिम में एक्सरसाइज करत करत मर गए थे कोनो एजेंट को देखे कि वरमाला डाला तो लड़की डालते डालते गिर गए खत्म हो गए। अब जवान लड़का लड़की में खत्म होते है तो कारण क्या है? हार्ट के प्रॉब्लम आते ब्रेन के प्रॉब्लम आते शुगर बीपी बढ़ाते तो इला जब बाजार में जब सुविधा दे सरकार है तो कर लाभ उठाना चाहिए है ना? थोड़ा बहुत सर दर्द करते है कि पेट दर्द करते है बुखार आए तो फ्री में सब इलाज होते फ्री में जांच करते।